स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द प्रॉब्लम नंबर 2। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 जहां पर ट्रायल बैलेंस दी है मेजर्स ऑफ मितेश एंड मंगेश की, जिसमें हमें बोला है प्रिपेयर करने के लिए कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, एंड जो बैलेंस शीट है वो भी हमें एज ऑन सेम डेट की, मतलब 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट भी हमें प्रिपेयर करनी है। नाउ सबसे पहला जो हमारा टास्क होगा कि क्विकली हमें बायफर्गेट कर लेना है जो भी आइटम्स दिए हुए डेबिट साइड में, जो बैलेंसेस दिए हुए हैं क्रेडिट साइड के बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो ये कौन से रेस्पेक्टिव अकाउंट के अंडर में जाएगा, तो उसके लिए हमें बायफर्गेशन कर लेना है ताकि जब भी हम सम सॉल्व करें तो फटाफट हम उनको कॉपी डाउन कर सके। नाउ यहाँ पे स्टॉक दिया है जो याद रखिए कभी भी ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक दिया होता है वो ओपनिंग स्टॉक होता है, तो इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। देन बिल्डिंग एसेट्स के अंडर में जाएगा, देन कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, फैक्ट्री इंश्योरेंस जो है ये फैक्ट्री रिलेटेड हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, इसके लिए इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है फैक्ट्री इंश्योरेंस को लेकर। जब भी फैक्ट्री इंश्योरेंस आया, फैक्ट्री कर रिलेटेड आया, फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीट वगैरह आया, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना है। देन पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। देन बिल्स रिसीवेबल एसेट्स सन्ड्री डेटर्स एसेट्स रिटर्न इनवर्ड, मतलब जो हमने सेल कर दिया था वो स्टॉक हमारे पास रिटर्न आ गया, इनवर्ड अंदर आ गया, इनसाइड हमारे पास बिजनेस में फिर से आ गया, रिटर्न आ गया, सामने वाले बंदे ने रिटर्न भेज दिया, तो मतलब ये सेल्स रिटर्न हुआ, तो हमें इसे माइनस करना होगा सेल्स में से। तो यहाँ पे आप है ना लेफ्ट राइट हैंड साइड में देखोगे कि यहाँ पर सेल्स दिया हुआ है, तो सेल्स के ऊपर एक टिक मार्क कि भी आपको यहाँ से सेल्स में से रिटर्न माइनस करना है। देन यहाँ पर परचेसेस दिया हुआ है, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। देन ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, लूज एंड टूल्स है एसेट्स में जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, अभी ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोले तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हो गया, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट को हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बोलते हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं उसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बोला जाता है, तो इसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हमें दिखा देना है। देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। जनरल एक्सपेंसेस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, कैश इन हैंड जो है एसेट्स के अंडर में आएगा, बैंक बैलेंस एसेट्स के अंडर में आएगा, कन्वेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, फर्नीचर जो है एसेट्स के अंडर में आएगा, सैलरीज जो दिया है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, रेंट रेट्स एंड रेट एंड टैक्सेस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे ड्रॉइंग्स दिया हुआ है, तो ड्रॉइंग्स को हमें यूजुअली हम क्या करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में इसको दिखाते हैं, और अगर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लीजर अकाउंट नहीं बनाया और डायरेक्टली लायबिलिटीज में दिखाया है तो पार्टनर्स कैपिटल में से हम इसको माइनस करते हैं। लेकिन यहां पर इस सम में हमको पार्टनर्स कैपिटल के साथ साथ हमें करंट अकाउंट भी, आप देखेंगे राइट साइड में यहां पर करंट अकाउंट भी दिखाई दे रहा है, तो करंट अकाउंट जो है वो जब भी आपको बनाने बोलते हैं तो इसका मतलब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड हम यूज कर रहे हैं, जहां पर हमारा कैपिटल जो होगा वो फिक्स्ड होगा, तो जो भी एडजस्टमेंट होगी कैपिटल से रिलेटेड वगैरह है वो सारे के सारे हमें करंट अकाउंट में दिखाना है। तो यहां पर हम करंट अकाउंट का लेजर अकाउंट बनाएंगे, तो ये जो ड्रॉइंग्स है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम दिखा देंगे। देन आ जाते हैं हम क्रेडिट बैलेंसेस की तरफ, तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो लायबिलिटीज के अंडर में आएगा, सेल्स जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, एंड कैपिटल जो दिया है वो हमें लायबिलिटीज के अंडर में डायरेक्टली लिख देना है। यहाँ पर वैसे भी हमको फिक्स कैपिटल मेथड यूज करना है, तो ये एज इट इज अनटच हमको एज इट इज जो अमाउंट दिया है वो हमें आउटर कॉलम में दिखा देना है। देन आउटस्टैंडिंग सैलरीज, जो यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है, जब भी ट्रायल बैलेंस में कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस है तो उसको एज इट इज आपको लायबिलिटीज के अंडर में दिखा देना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई भी अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उसका एक ही सिंगल इफेक्ट होता है और उसे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटीज के अंडर में दिखा देते हैं। देन बिल्स पेबल जो है वो लायबिलिटीज के अंडर में आ जाएगा।
जाएगा. देन रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब हमने रिटर्न माल भेज दिया, मतलब हमने जो परचेस किया था उसको आउट बाहर की तरफ भेज दिया, आउटवर्ड. तो हमें इसमें क्या करना है, हमें माइनस करना है इसको परचेसेस में, परचेसेस से माइनस करना है. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे परचेसेस दिया हुआ है, तो इसमें से हम एक टिक मार्क दे देते हैं ताकि हम स्पेस लीव कर दें जब हम अमाउंट को कॉपी डाउन करेंगे तब. तो यहाँ पर परचेसेस में से इसको हम रिटर्न आउटवर्ड को माइनस करेंगे. तो एक और है, जब इस तरीके की आपको टेबल वाली टी टेबल वाली जो दी रहती है ट्रायल बैलेंस, तो उसमें आपको याद रखना है रिटर्न जब आपका क्रेडिट साइड में आता है तो वो परचेसेस से माइनस होगा, एंड जो रिटर्न आपका डेबिट साइड में दिखाई दे रहा है वो आपका सेल्स में से माइनस होगा, तो क्रॉस में जाके माइनस होता है. ठीक है. फिर यहाँ पर करंट करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए मितेश एंड मंगेश के, तो करंट अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है, तो उसके क्रेडिट साइड में हम बाय, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट बैलेंसेस है. करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है. कैपिटल अकाउंट्स का जनरली जो है क्रेडिट बैलेंसेस ही होते हैं. यहाँ पे करंट अकाउंट का दोनों भी क्रेडिट बैलेंसेस दिया है, तो हम मितेश एंड मंगेश के करंट अकाउंट के अंडर में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कर 3000 और 2000 बताने वाले, दिखाने वाले. नाउ हम आ जाते हैं एडजस्टमेंट्स पे. क्वेश्चन रीड करना बहुत जरूरी है बिफोर वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें क्वेश्चन को रीड करना और गो थ्रू करना बहुत जरूरी होता है, इवन इन एग्जाम. नाउ एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स के हैं जैसे आप सभी जानते हैं कि इसके यूजुअली दो इफेक्ट होते हैं, कभी कभी तीन इफेक्ट भी आ जाते हैं, वो डिपेंड करता है कैसे किस टाइप का एडजस्टमेंट दिया हुआ है. नाम यहाँ पे सबसे पहला बोला है कि मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1. तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 3:1 का होगा. 3:1 मतलब 3/4 and 1/4. एक जन को टोटल चार हिस्से होंगे, तो उसमें से तीन हिस्सा जो है वो मितेश लेकर जाएगा और एक हिस्सा जो है मंगेश के हाथ में आने वाला है. देन सेकेंड वन इज पार्टनर्स आर एंटाइटल टू गेट कमीशन एट द रेट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट पर मतलब हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है पहले, और उसके बाद में हमें 1% कमीशन जो पार्टनर्स को देना है, दोनों भी मितेश एंड मंगेश को, वो फाइंड आउट करना है. और वो अमाउंट फाइंड आउट करने के बाद हमें उसे कहां पर दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि एक्सपेंडिचर हो गया बिजनेस के लिए. एंड दूसरा जो इफेक्ट आएगा वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंडर में हम क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, क्योंकि इससे पार्टनर के जो बैलेंसेस से वो तो इंक्रीज होंगे, उनके लिए तो फायदा हो गया ना. तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करकर हम लिखने वाले हैं करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में. द नेक्स्ट इज द क्लोजिंग स्टॉक. जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है इज वैल्यूड एट 23,700. तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एसेट्स के अंडर में एक इफेक्ट आएगा, और दूसरा इफेक्ट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा. तो इस तरीके से आप बायफर्केशन फटाफट करके ले लेंगे. अभी ये जो मेरे जो बायफर्केशन आपको दिखाई दे रहे, तो ये मैं लास्ट ईयर ऑलरेडी कर चुकी थी, तो अभी टेक्स्ट बुक मैंने रिप्लेस नहीं की है. राइट, हमें पेजेस बचाने हैं, हमने पेपर बचाना है, तो नए बुक लेके कोई फायदा नहीं है. नाउ फोर्थ वन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमको क्या करना है, ऑडिट फीस का जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो ऐड कर देना. इसका दूसरा इफेक्ट जो है वो लायबिलिटीज के अंडर में आ जाएगा. एंड कैरेज जो दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम कैरेज के अंडर में ऐड कर देंगे, एंड इसका दूसरा इफेक्ट जो होगा वो लायबिलिटीज के अंडर में आ जाएगा. देन नेक्स्ट है बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500. इसका मतलब जो इसकी वैल्यू है एट द एंड ऑफ द ईयर बिल्डिंग की, वो 46,500 है. मतलब आउटर कॉलम एसेट साइड में बिल्डिंग का जो अमाउंट है, आउटर कॉलम में बिल्डिंग का अमाउंट 46,500 आएगा. एंड डेप्रिसिएशन जो है, पहले जो बिल्डिंग का अमाउंट यहाँ पर हमें ट्रायल बैलेंस में दिया है और उसके हिसाब से हम माइनस करेंगे जब, तो हमको ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन भी पता चल जाएगा, जो डिफरेंसेस अराइज होंगे. तो यहाँ पर बिल्डिंग जो दिया है वो 48,500 दिया हुआ है, 48,500. और अब यहाँ पर कितना दिया है, 46,000 वैल्यूड एट 46,500. इसका मतलब 2,000 का डेप्रिसिएशन अराइज हुआ. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा. देन फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 6 एडजस्टमेंट है कि डेप्रिशिएटेड बाय 5%, मतलब 5% से डेप्रिशिएट. तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, फर्नीचर पर 5% हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो वैल्यू आएगी वो डेप्रिसिएशन कर माइनस करेंगे फर्नीचर में से. एंड सेकेंड इफेक्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन का दिखाएंगे. देन सेवेंथ वन,
प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5% पर एनम, मतलब 2.5% पर एनम, 2.5% हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है उनके कैपिटल पे। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1,50,000 एन इनका जो कैपिटल यहाँ पर हमें दिया हुआ है तो उन पे हम कैलकुलेट करेंगे 1,50,000 पे, एंड 50,000 पे 2.5% कैलकुलेट कर पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम दिखाएंगे जो इंटरेस्ट दिया गया है क्रेडिट साइड में। एंड उसका जो दूसरा इफेक्ट होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमको दिखाना है। देन नेक्स्ट यहां पर है गुड्स ऑफ रुपीज 900, 900 रुपए का जो गुड्स है वर टेकन बाय मंगेश, वो मंगेश ने ले लिया। तो जैसे हमने पहले भी बात की, अगर कोई फॉर हिज पर्सनल यूज, अगर कोई पर्सनल यूज के लिए गुड्स टेक ओवर करता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो उसने विड्रॉवल किया है बिजनेस से और उसको हम ड्रॉइंग्स कर रिकॉर्ड करते हैं। तो ड्रॉइंग्स कर हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में तो बाय गुड्स विड्रॉन बाय मंगेश कर 900 लिखेंगे। एंड दूसरा इफेक्ट जो है हमको दिखाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू गुड्स विड्रॉन, या फिर आप लिख सकते हो टू ड्रॉइंग्स कर भी लिख सकते हो, और 900 आप मंगेश के कॉलम के अंदर में लिख दोगे। देन उसके बाद में नेक्स्ट यहां पर दिया है नाइन्थ वन, राइट ऑफ रुपीज 1,000 एज बेड डेप्ट। तो कभी भी एडजस्टमेंट में जो बेड डेप्ट दिया होता है वो न्यू बेड डेप्ट होता है, तो हमें डेटर्स में से माइनस करना होता है। एंड उसका दूसरा इफेक्ट जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। अभी बेड डेप्ट को लेकर यहाँ पे ज्यादा कोई अमाउंट और आइटम्स दिए हुए नहीं है, ओल्ड बेड डेप्ट वगैरह है नहीं, तो हमें फॉर्मेट तैयार करने की जरूरत नहीं है। जो फॉर्मेट हमने फर्स्ट सम में किया था उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओनली न्यू बेड डेप्ट्स एंड न्यू आरडीडी दिया, तो उसको हम सिंपली डायरेक्टली लिख सकते हैं। एंड मेंटेन न्यू आरडीडी 3%, तो 1,000 हम डेटर्स में से पहले माइनस करेंगे, उसके बाद में हम 3% संडी डेटर्स कैलकुलेट करके और आरडीडी को माइनस करेंगे डेटर्स में से, और उसके बाद में जो आरडीडी जो हमें मिलेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमको दिखाना है। तो इस तरीके से ये सारे जो एडजस्टमेंट्स वगैरह हमको करना है, तो ये आई होप कैसे बाइफर्केट करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी क्विकली ज्यादा टाइम पास ना करते हुए हम सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी रखा है ताकि आपका ज्यादा जो टाइम है वो पास ना हो और फटाफट फटाफट आपको जो सोल्यूशन है वो रिसीव हो जाए। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर हमारा 2 है, तो आपको ऐसे इस तरीके से लिखना है मेजर्स ऑफ मितेश एंड मंगेश ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का जो है वो सेपरेटली बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो एंट्रीज आएगी वो ज़्यादा एंट्री है, इसीलिए हम यहाँ से इसको रब आउट ही कर देते हैं, बेटर है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, एंड यहाँ पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बनाया, एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस तरीके से आपको फॉर्मेट रेडी रखना। और ये जो पार्टनर्स करंट अकाउंट कब बनाते हैं हम, जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं उसी समय पर हम करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल मेथड के केस में इसका मतलब हम फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं। नाउ यहाँ पर सबसे पहले जो है ट्रायल बैलेंस के दिए हुए आइटम्स जो है वो हम फटाफट क्विकली लिख लेंगे। तो आपको अभी क्या करना है, टेक्स्ट बुक आपके सामने रखना है। मैं अभी बार बार आपको अमाउंट नहीं दिखाऊंगी, आप टेक्स्ट बुक सामने रखिए और मैं वन बाय वन में स्टेप बाय स्टेप जो है वो जो अमाउंट दिए वो नोट डाउन करी। तो ओपनिंग स्टॉक सबसे पहला हमें स्टॉक दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक कर हम लिखेंगे आउटर कॉलम में 25,000। उसके बाद में बिल्डिंग दिया है तो वो हमें कहाँ लिखना है, एसेट्स के अंदर में लिखना है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट तैयार किया हुआ है, तो बिल्डिंग, और बिल्डिंग पे जैसे कि हमें पता है कि एडजस्टमेंट है, यहाँ पे मैंने मार्किंग देना, मार्किंग नहीं दिया था हमने, क्विकली क्वेश्चन रीड कर दिया था, तो बिल्डिंग के अंडर में एक एडजस्टमेंट है। और वैसे भी अभी आप स्मार्ट इनफ हो गए हो, 11th में भी इसी तरीके से किया है हम लोगों ने, प्रोप्राइटरशिप का एक लाइन लीव कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमें कैरिज दिया है, तो कैरिज पे भी एक जो है एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग का, एक लाइन लीव करके यहाँ पे हम परचेसेस के लिए जगह, परचेसेस भी यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए परचेसेस के लिए लिख देते हैं, और परचेसेस में एडजस्टमेंट भी है तो वन लाइन लीव करके फिर टू कैरिज लिखते हैं। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, सेल्स परचेसेस वगैरह तो आएगा ही आएगा हर एक क्वेश्चन में। कैरेज जो दिया है 1780 1780, इस पर भी एक एडजस्टमेंट है आपको मार्क कर लेना है।
फिर उसके बाद में फैक्ट्री इंश्योरेंस दिया हुआ है, तो ये भी आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंडर में, फैक्ट्री इंश्योरेंस। फैक्ट्री इंश्योरेंस को हम आउटर कॉलम में दिखा देंगे, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2700 रुपीज। देन नेक्स्ट यहाँ पर दिया है पोस्टेज, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के यहाँ पे हम जो फर्स्ट टू लाइन्स है वो लीव कर देंगे। फर्स्ट लाइन है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के लिए, एक लाइन हम लीव कर देते हैं, उसके बाद में टू पोस्टेज करके लिख लेंगे। टू पोस्टेज अमाउंट जो है वो 1600, और डायरेक्टली हम उसको आउटर कॉलम में लिख देंगे क्योंकि इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट जो दिया है बिल्स रिसीवेबल, एसेट्स के अंडर में हमें लिखना है, यहाँ पर एसेट्स के अंडर में इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए इसको डायरेक्टली हम आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, नथिंग टू वरी अबाउट दिस। तो बिल्स रिसीवेबल, और जो अमाउंट दिया है बिल्स रिसीवेबल का 13700। उसके बाद में सन्ड्री डेटर्स दिया है, तो सन्ड्री डेटर्स एसेट्स के अंडर में ही आएगा, जैसे कि हम सब जानते हैं अभी तो हैबिट हो गई हमको 52,200 का, और इस पर दो एडजस्टमेंट है, आपको मार्क कर लेना, अभी दो एडजस्टमेंट है तो कितने लाइन लीव करेंगे, थ्री टोटल, इन ऑल हम 1, 2, 3 लाइन लीव कर देंगे, जब एडजस्टमेंट्स हम यहाँ पे मार्क करेंगे तभी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तो लाइन पहले से लीव करके रखेंगे। सॉरी, देन रिटर्न इनवर्ड दिया है, तो रिटर्न इनवर्ड जो होता है वो सेल्स में से माइनस होता है, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सेल्स कर लिख के और स्पेस लीव कर दे बाय सेल्स, और इसका अमाउंट जब हमको दिखाई देगा रीड करते करते उस वक्त हम लिखेंगे। तो रिटर्न इनवर्ड, याद रखिए रिटर्न इनवर्ड कभी भी सेल्स के केस में, तो आपने माल बेचा और सामने वाले बंदे ने रिटर्न भेज दिया, तो इनवर्ड बिजनेस में वापस आ गया 1600। फाइन, देन नेक्स्ट जो है वो परचेसेस है, तो परचेसेस का जो अमाउंट है वो हमें दिया हुआ है 68,900, यहाँ पे टू परचेसेस ऑलरेडी लिखा मैंने, तो इनर कॉलम में लिखेंगे 68,900। देन ऑडिट फीस दिया है, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू ऑडिट फीस कर लिख देंगे, टू ऑडिट फीस, और ऑडिट फीस पे आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट है, तो वन लाइन हमें लीव करना है। ऑडिट फीस का जो अमाउंट है 1800 दिया है। फाइन, इसके बाद में जो नेक्स्ट दिया है हमें यहाँ पर लूज टूल्स, तो लूज टूल्स जो है वो एसेट्स के अंडर में आएगा, तो यहाँ पर एसेट्स के अंडर में हम लिख देंगे लूज टूल्स, तो ये सारे के सारे जो लूज टूल्स है वो एसेट्स में आते हैं, तो 32,000। देन हमें दिया है नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, तो यहाँ पर हम टू मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ये फैक्ट्री रिलेटेड हो गया, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में होती है, राइट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इसीलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंडर में लिख देते हैं इसको, इसका जो अमाउंट है 1820। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमें दिया है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा, यहाँ पर टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आपको डायरेक्टली आउटर कॉलम में दिखा देना है क्योंकि इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। देन नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंसेस, तो जब जनरल एक्सपेंसेस ट्रेड एक्सपेंसेस वगैरह आता है तो हमको थोड़ा सा ध्यान देना होता है, यहाँ पे अभी फिलहाल ट्रेड एक्सपेंसेस है नहीं, वो कॉन्सेप्ट जब आएगा तब मैं आपको वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगी। तो 3400 यहाँ पर लिख देंगे जनरल एक्सपेंसेस का। उसके बाद में जो नेक्स्ट आइटम हमें दिया एक्सपोर्ट ड्यूटी दिया है, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी 1000 का यहाँ पर लिखेंगे, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 1000।
नेक्स्ट यहाँ पर कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दिया है, तो वो हमें एसेट्स के अंडर में लिखना है। एसेट्स के अंडर में लिखेंगे कैश इन हैंड, रोकड़ा भाई हाथ में कितना रोकड़ा है बिजनेस में, एंड कितना बैंक बैलेंस है, तो बैंक बैलेंस दोनों भी एसेट हो गए 29,000 बैंक बैलेंस है। इसके बाद में कन्वेंस दिया हुआ है 4,100, तो टू कन्वेंस जो होता है टू कन्वेंस चार्जेस हमें लिख देना है 4,100 का अमाउंट जो दिया है वो 4,100 कन्वेंस। एंड नेक्स्ट फर्नीचर है, फर्नीचर आएगा एसेट्स के अंडर में और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। फर्नीचर का अमाउंट है 64,000, तो हमको 64,000 जो है इनर कॉलम में लिख लेना है, वन लाइन लीव कर देंगे। देन नेक्स्ट है सैलरीज, तो सैलरीज जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, तो टू सैलरीज कर लिखेंगे। एंड इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में टू सैलरीज, यूजुअली इसमें प्रीपेड सैलरी नहीं तो आउटस्टैंडिंग सैलरी करके एडजस्टमेंट आता है 2000। उसके बाद में यहाँ पर रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 3,700, तो टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ऐसे करने से क्या टाइम सेव हो रहा है, मैं अगर आपको अमाउंट नहीं दिखा रही हूँ टेक्स्ट बुक में से तो थोड़ा सा टाइम भी सेव हो रहा है। 3,700 मेरा मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन होता है वो इस पर होता है कि आपका समय भी ज़्यादा ना लगे और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, और मैं लेकिन लेक्चर को भगा भी नहीं सकती, भगाते हुए फिर आपको कोई यूजफुल नहीं रहेगा, एम्पल ऑफ डाउट्स रहेंगे, फिर उसका कोई फायदा नहीं। फिर यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट में हमें ड्रॉइंग्स डेबिट साइड में हम टू ड्रॉइंग्स कर लिखेंगे, जो बैलेंसेस दिया है ट्रायल बैलेंस में टू ड्रॉइंग्स। देखिए क्या होता है कि डेबिट बैलेंसेस जो होते हैं वो डेबिट साइड में आते हैं यूजुअली, अगर हम क्रेडिट साइड में उनको लिख रहे हैं तो माइनस करते हैं, और जो क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं वो डेबिट क्रेडिट साइड में आते हैं, और अगर हम उसको क्रेडिट में ना लिख के अगर हम डेबिट में लिख रहे हैं कोई एडजस्टमेंट करने के लिए तो फिर हमें माइनस करना पड़ता है। तो ऐसे क्रॉस में अगर हम लेके आए तो फिर माइनस करना होता है। यहाँ पे ड्रॉइंग्स जो है वो डेबिट में लिख देंगे हम 1,200 जो है मितेश का है, मंगेश का 2,200 पर्सनल विड्रॉवल, ठीक है। अब आ जाते हैं क्रेडिट बैलेंसेस पे, जिसमें सबसे पहले जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम लायबिलिटीज के अंडर में, तो यहाँ पर लायबिलिटीज में सबसे पहले हमारा टॉप में जो कैपिटल्स कर आ जाएगा उसके लिए जस्ट हम हेडिंग कैपिटल अकाउंट के बैलेंस जो है कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का हम नाम लिख के रख देते हैं मितेश मंगेश। उसके बाद में करंट अकाउंट के बैलेंसेस आएंगे मितेश, जब भी हम करंट अकाउंट क्लोज करेंगे तब मितेश मंगेश। एंड अब हमको सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख लेना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स का जो बैलेंस दिया है वो 38,000 दिया है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में क्योंकि इस पर कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है। देन नेक्स्ट जो है हमें सेल्स दिया है, सेल्स से पहले हम एक काम करते हैं, कैपिटल सामने दिखाई दे रहा है तो उसको हम फटाफट 1,50,000, लेकिन सेल्स को भूलना नहीं है। मितेश 1,50,000 एंड 50,000 मंगेश का है। अब हम चलते हैं, पेजेस टर्न करने पड़ते भाई। सेल्स जो 1,75,000 दिया है, तो 1,75,000 यहाँ पर जो बैलेंस बचेगा 1,75,000 माइनस 1,600 किया तो 1,73,400 आएगा, वो आउटर में दिखा देते हैं 1,73,400 क्योंकि कोई और एडजस्टमेंट इस पर है नहीं। देन आउटस्टैंडिंग सैलरीज दिया है, तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उसका एक सिंगल इफेक्ट ही होता है जो कि हम लायबिलिटीज के अंडर में दिखा देंगे, क्योंकि बहुत बार मैं बोलती हूँ भाई आउटस्टैंडिंग कोई दिया होता है तो आप उसके दो इफेक्ट, वो कब होता है दो इफेक्ट, जब आपको वो एडजस्टमेंट में दिया है, ये तो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है तो आप इसको
आउटस्टैंडिंग बकाया जो है वो 2000 लायबिलिटीज में डायरेक्टली लिख लोगे, और उसके बाद में लायबिलिटीज का बिल्स पेबल दिया हुआ है यहाँ पर, तो बिल्स पेबल हमें लायबिलिटीज में लिखना है, अमाउंट जो है वो 18,000। तो जो लायबिलिटीज होता है ना, एक्चुअली बैलेंस शीट जो है आप देखोगे एक तरीके से हम लोगों ने ये जो बनाते हैं हम लेजर अकाउंट, तो डेबिट साइड इस साइड डेबिट बैलेंसेस लिखते हैं, इस साइड क्रेडिट बैलेंसेस लिखते हैं, लेकिन बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, पोजिशनल स्टेटमेंट है, इसीलिए ये इसी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाई जाती है कि उसका जो लायबिलिटीज है, जो क्रेडिट बैलेंसेस है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, और जो डेबिट बैलेंसेस है वो उसके राइट हैंड साइड में, एसेट्स के अंडर में जो भी आइटम्स हम लिखते हैं वो डेबिट बैलेंसेस वाली होती है, राइट। तो यहाँ पे बिल्स पेबल 18,000 हमने लिख लिया क्रेडिट वाला अमाउंट, देन रिटर्न आउटवर्ड दिया है वो हमें परचेसेस से रिटर्न करना है, माइनस करना है रिटर्न आउटवर्ड, मतलब हमने जो परचेस किया था वो रिटर्न हमने भेज दिया, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस रिटर्न आउटवर्ड, इसके बहुत सारे नाम है ना, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, ये परचेस रिटर्न हुआ, और एक जस्ट रिटर्न करके भी आता है वो भी आगे आपको सीखने मिलने वाला है। तो रिटर्न आउटवर्ड जो है वो 1800 का है, माइनस करेंगे तो 67,100 आउटर कॉलम में दिखा देंगे 67,100। देन लास्ट जो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के आइटम है वो है करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए, तो करंट अकाउंट में हम बाय क्रेडिट साइड में हम बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लिखेंगे, एंड मितेश एंड मंगेश के बैलेंसेस दिए हुए 3000 एंड 2000, फाइन ये हो गया। अब हमें आ जाना है एडजस्टमेंट पे, क्विकली हम आ जाएंगे एडजस्टमेंट्स पे। तो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है वो तो हमें जो पहला एडजस्टमेंट आप देखोगे तो वो तो ग्रॉस प्रॉफिट पे हमें है ना कमीशन 1% कैलकुलेट करना है, तो वो तो सबसे पहले इसके लिए तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि क्लोज डाउन करना होगा किसको, ट्रेडिंग अकाउंट को, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट तो वहीं से मिलेगा हमें। तो यहाँ पे ये तो एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे प्रॉफिट ही होने वाला है, लगता है लॉस तो नहीं होएगा क्योंकि क्लियरली दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, पहली बात तो दे दिया कि ग्रॉस प्रॉफिट पे आपको 1% कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये वाला एडजस्टमेंट हम नहीं कर सकते, इससे आगे के जो एडजस्टमेंट है वो कवरअप करेंगे और इस एडजस्टमेंट पे हम बाद में आएंगे। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया है 23,700, क्विकली हम इसको क्या करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक हम लिख देंगे 23,700, एंड दूसरा जो इसका इफेक्ट है वो एसेट्स के अंदर में क्लोजिंग स्टॉक कर हमें लिखना है 23,700, ठीक है। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है, तो यहाँ पे लायबिलिटीज में यहाँ पे आप पेज टर्न करने से पहले यहाँ पे पहला एक इफेक्ट दिखा देते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दो इफेक्ट है राइट, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लायबिलिटीज के अंडर में फटाफट लिख लेते हैं। ऑडिट फीस जो कि ऑडिट फीस में ऐड होने वाला है ये अमाउंट, ऑडिट फीस 400 रुपीज, एंड कैरिज का जो आउटस्टैंडिंग है वो कैरिज में ऐड होगा, मतलब अभी तक ये पेमेंट नहीं किया है, करना बाकी है, तो ये एक्सपेंडिचर है हमें दिखाना होगा, तो 1000 यहाँ पर हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का आउटर में हम दिखा देंगे 1000 आ गया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो दिया है हमें वो दिया है बिल्डिंग इज वैल्यूड एट, पहले इनको भी लिख देते हैं हम, ऐड कर देते हैं ऑडिट फीस, नहीं तो हम भूल जाएंगे ऑडिट फीस, एंड एक फायदा है यहाँ पर हम स्पेस लीव करने से हम लोग को भूलने के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि कुछ तो मैं हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर मान लो मैंने अभी स्किप कर दी भी दिया होता तो पता चल जाता, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 400, ऑडिट फीस कितना आउटस्टैंडिंग है 400 है, तो 2200 आउटर कॉलम में हम दिखा देंगे, साथ ही कैरेज का जो है वो भी 600 ऐड कर देते हैं, तो ऐड आउटस्टैंडिंग कैरिएज, ये एक्सपेंसेस कैरिएज वाले ये एक्सपेंसेस है 600, टोटल सम अप करेंगे तो 2380 रुपीज, फाइन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,000
500। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि इसको आउटर कॉलम में, इस अमाउंट को जो है हम आउटर कॉलम में दिखा देंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है बिल्डिंग का अमाउंट जो है एक्चुअल में जो ट्रायल बैलेंस में दिया था वो इनर कॉलम में लिखा हुआ है, एंड 46,500 आउटर कॉलम में हमने दिखाया। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है, ये जो डिफरेंस है वो कितने का आया, 2000 का आया। तो 2000 जो है वो हमारा क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। 2000 इज द डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन। ये डिफरेंस जो अराइज हुआ है वो डेप्रिसिएशन की वजह से, बिल्डिंग की वैल्यू गिर गई। तो आपको एट है या बाय है उस पर ध्यान देना है। एट है तो मतलब आउटर कॉलम में आप लिख दोगे इस तरीके से, और इस 2000 को इमीडिएटली आप डेप्रिसिएशन कर भूले नहीं उससे पहले, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेस लीव नहीं की हुई है। तो फटाफट टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2000 आउटर कॉलम में दिखा देंगे। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर दिया हुआ है फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तो यहाँ पर बाय 5% मतलब आपको 5% कैलकुलेट करना होगा, माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये वर्किंग नोट में आपको, जैसे सबसे पहला हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट फर्नीचर का जो वैल्यू दिया है वो 64,000 हमें दिया है, ठीक है, वैल्यू एक्चुअल में जो ट्रायल बैलेंस में जो दिया था। अभी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 5% बोला है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए 64,000 को मल्टीप्लाई बाय 5/100 हमें 100 करना है। यहाँ पे कोई डेट वगैरह दी नहीं है, तो मतलब फुल ईयर का ही डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो 64,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 जब हम करते हैं तो वैल्यू जो मिलेगी हमें, दो दो जीरो गए, और 640 मल्टीप्लाई बाय 5 करने पे 3,200 कितना आ जाएगा, 3,200 का डेप्रिसिएशन जो है वो फर्नीचर पे हमें दिखाना है। तो फटाफट इसके जो दो इफेक्ट है कि माइनस फ्रॉम फर्नीचर एंड ये जो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है, इसका दूसरा इफेक्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा देंगे। तो यहाँ पर 3,200 माइनस कर लेते हैं, 3,200 माइनस करने पे हमें 60,800 आउटर कॉलम में आ जाएगा। तो यहाँ पे 60,800 इमीडिएटली लिख लेते हैं, और 3,200 को डेप्रिसिएशन कर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,200 इस तरीके से हमें दिखा देना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बोला है कैपिटल पे, उसका हम वर्किंग नोट में पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सेकेंड एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 2.5% पर एनम बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे फुल ईयर का ही हमें निकालना है। मितेश का जो कैपिटल है वो कितना है, और मंगेश का कैपिटल जो अमाउंट जो दिया है वो कितना है वो हमें देखते हुए करना है। तो मितेश का 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5/100। अब आपको एक इजीएस्ट वे बताती हूँ फटाफट कैलकुलेट करने के लिए। देखिए ये डेसिमल जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो डेसिमल दिखाई दे रहा है उसको जस्ट रिमूव कर दो यहाँ से, और एक जीरो नीचे दे दो, ठीक है। अब क्या करोगे, थ्री जीरोस यहाँ से एंड थ्री जीरोस यहाँ से कैंसिल कर दोगे, क्योंकि अप एंड डाउन में हो गया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हो गया। एंड 150 मल्टीप्लाई बाय 25 जब आप करोगे तो आपको 3750 रिसीव हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखना, 3750, फाइन। इसी तरीके से मंगेश का भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो मंगेश का 50,000 का कैपिटल है, ओहो 50,000 है कैपिटल बोलते बोलते, मल्टीप्लाई बाय 2.5/100। तो यहाँ से डेसिमल हटाने के लिए आप एक जीरो नीचे ऐड कर दोगे, तो अभी तीन जीरो हो गए तो डेसिमल तो हट गया, थ्री थ्री जीरो कैंसिल कर दोगे, तीन तीन जीरो एंड 25, पैसा कितना होता है 125 एंड एक जीरो, तो 1250 जो है वो आपका
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया मंगेश का। अब ये दोनों भी आपको करना क्या है, एक तो करंट अकाउंट के अंडर में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दो, एंड दूसरा इफेक्ट जो है वो पार्टनर्स, यहाँ पे ये पार्टनर्स करंट अकाउंट में तो दिखाई देंगे एक इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट जो है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि बिजनेस के लिए तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पर क्विकली चलिए पहले यहाँ पे लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनर कॉलम में आपकी आपका ये चला गया तो भी कोई इश्यू नहीं है, एडजस्टिंग हुआ, स्पेलिंग आगे तक ले गए तो कोई मार्क्स नहीं कट करने वाला है, बिकॉज अकाउंट्स में यही होता है कि स्पेस कम हो जाती है हमारे पेपर के अकॉर्डिंग। मंगेश, मितेश एंड मंगेश, तो मितेश का 3750, मंगेश का 1250, टोटल हम करेंगे इन दोनों का तो 5000 आ जाएगा, टोटल 5000 आ गया। अभी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें करंट अकाउंट में, यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया है उसमें क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर कर हम लिखेंगे। तो जब भी फिक्स कैपिटल मेथड यूज होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया या कमीशन वगैरह हो गया, सैलरी हो गई पार्टनर्स को, वो सब के सब हमको करंट के अंडर में लिखने होते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3750, 1250 इतना हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर हमें दिया है गुड्स, 900 का जो गुड्स है वो पर्सनल विड्रॉवल हो गया भाई, किसने विड्रॉ किया, तो मंगेश ने, तो बाय गुड्स विड्रॉन बाय मंगेश हम लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय गुड्स विड्रॉन यहाँ पर विड्रॉन बाय मंगेश 900 रुपीस का, एंड इसका सेकेंड इफेक्ट हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट सॉरी पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू ड्रॉइंग्स, नया विड्रॉवल है, मंगेश ने विड्रॉ किया तो मंगेश के कॉलम के अंडर में 900 आ जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स को लेकर, न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी। तो कभी भी न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी दिया है तो सबसे पहले सन्डे डेटर्स पे से हम न्यू बैड डेब्ट्स को माइनस करते हैं, तो माइनस न्यू बैड डेब्ट्स राइट ऑफ करने बोला है, तो 1000 राइट ऑफ मतलब आपको माइनस कर देना है, डिडक्ट कर देना है डेटर्स, इतना डेटर्स जो है बैड हो गया नहीं देंगे वो लोग, 51200 आ गया। अभी हमें 51200 पे कैलकुलेट करना है 3% का आरडीडी, पहले ये बैड डेब्ट्स न्यू बैड डेब्ट्स है वो लिख लेते हैं फटाक से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू न्यू बैड डेब्ट्स 1000, फिर इसके बाद में न्यू आरडीडी भी आने वाला है, जस्ट लिख के छोड़ देती हूँ मैं, कैलकुलेट करना है अभी। नाउ नेट डेटर्स पे आएगा आरडीडी जो कैलकुलेट होगा वो 51200 पे आरडीडी कैलकुलेट होने वाला है, माइनस न्यू आरडीडी 3% यहाँ पर हमें 3% कैलकुलेट करना है, 3% तो 51200 पे जैसे मैंने आपसे बोला, तो यहाँ पर एज पर द रूल मैंने बोला, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूं तो आपको करना है, न्यू आरडीडी एट द रेट ऑफ 3% ऑन नेट डेटर्स, मतलब आफ्टर डिडक्टिंग, ऑलवेज याद रखो आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेब्ट्स, अगर बैड डेब्ट्स दिया है आपको नया बैड डेब्ट्स तो यहाँ पे 51200 मल्टीप्लाई बाय 3/100 आपको करना है, तो दिस टू जीरोज गॉट कैंसिल, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के 512 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 1536 जो है वो आपका आरडीडी आएगा। तो ये अभी माइनस कर देते हैं यहाँ से 1536, ठीक है 1536 आपको डेटर्स में से माइनस करोगे तो 49000 करके देखना, माइनस 664 आपको रिसीव होगा, अभी सब्ट्रैक्शन वगैरह तो आपको आते होंगे। ठीक है, फिर 1536 को
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 1536 नया आरडीडी हमें लिख देना है। तो अब सारे के सारे जो एडजस्टमेंट हैं एंड ट्रायल बैलेंस के आइटम्स से वो हमने लिख दिए। अब हमें करना क्या है, एक एडजस्टमेंट बाकी रह गया, सेकेंड एडजस्टमेंट जो यहाँ पर बोला है 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट पे, इसीलिए सबसे पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट को क्या कर देना है, क्लोज डाउन कर देना है। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे और उसके बाद में हमको 1% कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे टोटल कर जब आप देखोगे तो आपका क्रेडिट साइड जो है वो मोर होगा, क्रेडिट साइड जो है ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ का जब आप टोटल कर देखोगे, ये सारा टोटल करके आप देखना, तो ये जब टोटल आप करोगे तो आपको 99,000 यहाँ पर अमाउंट आएगा। तो ये 99,000 तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये तो बड़ा ही अमाउंट है भाई, 1,73,000। अमाउंट देख के भी आइडिया लग जाती है ना थोड़ी, तो पेंसिल से करके चेक करने का कि कितना है। यहाँ पे ये 99,000 आया और यहाँ का टोटल करोगे तो क्रेडिट साइड का टोटल किया तो 1,98,000। तो सेम अमाउंट क्रेडिट बैलेंसेस का मतलब क्या है, क्रेडिट बैलेंस अराइज हुआ, सेम अमाउंट यहाँ टोटल के यहाँ पर लिख लोगे और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये जो डिफरेंस होगा ये आपका क्या हुआ, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस हुआ ये क्योंकि क्रेडिट साइड इज मोर है, ये मैंने पेंसिल से जस्ट आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए लिखा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 99,000 का आया, कितना 99,000। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन कर हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। जब क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट अराइज होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन इसे हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट, क्रॉस साइड में ले जाया जाता है। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया है तो हम कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं 1% का, ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर को मिलेगा। तो 1% 99,000 का 1% तो 990 होता है, मुझे कैलकुलेट कर भी आप लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है। आई गेस आप इसको निकाल सकते हो कि दोनों को मिलेगा कितना, 990। और अगर आपको करना है तो आप क्या कर सकते हो, एज अ वर्किंग नोट अंडरस्टैंड करने के लिए कि भी ठीक है अभी एग्जाम में हमको समय नहीं होगा, हम क्विकली लिख देंगे, हमें पता कॉन्फिडेंट हैं, तो एट द रेट 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट पे, जीपी पे, और ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा है वो कितना है, 99,000 है। तो मितेश को कितना मिलेगा, 99,000 मल्टीप्लाई बाय 1/100, देखो जीरोस गए तो बच गया 990। तो सेम वे में मंगेश को भी यही तरीका होता है कि 99,000 परसेंटेज निकालेंगे, 99,000 मल्टीप्लाई बाय 1/100, तो 990। मुझे पता है छोटे छोटे कैलकुलेशंस आप लोगों को आते हैं, फिर भी मैं बताती हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो देखना चाहते हैं कि भाई मिस कैसे कर रही है, हमें कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, कभी कभी कन्फ्यूजन अराइज हो जाता है। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, कमीशन जो हमें रिसीव हो गया पार्टनर्स का, उनको हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में लिख देते बाय कमीशन कर 1% का 990, ठीक है। इन दोनों का टोटल जो होगा वो 1,980 होगा। तो 1,980 क्या करेंगे अभी हम, इसे यहाँ पर टू कमीशन मितेश मंगेश अमाउंट जो है सेम है 990 टोटल करेंगे तो 1,980 आ जाएगा। फाइन, सब हो गया, कैलकुलेशन सारे कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करना है। अभी बारी आई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करने की, क्योंकि एक ही एडजस्टमेंट बचा था कमीशन वाला, वो भी हो गया कंप्लीट। तो अभी इसको क्लोज डाउन करेंगे तो आप देखोगे कि इसका जो टोटल आप करोगे तो आपका क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है, ये जो क्रेडिट साइड का 99,000 है, ये ही ज़्यादा है। आपका डेबिट साइड का जो टोटल है वो 35,316 आएगा। टोटल करके देखिएगा, मैं अभी पूरा स्टेप बाय स्टेप करके नहीं बता रही हूँ, अगर आपको स्टेप बाय
स्टेप देखना है तो पहले मैंने प्रीवियस ईयर में वीडियोस लगाए हुए उसमें देख सकते हैं। तो आपका टाइम सेव करने के लिए मैं नहीं बता रही हूँ, आप लोग टोटल मार के देखेगा तो 99,000 आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसका मतलब क्रेडिट क्रेडिट साइड इज मोर। और जब भी क्रेडिट साइड मोर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो मतलब हमारा नेट प्रॉफिट अराइज हुआ, क्या हुआ, हमें नेट प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट रिसीव हुआ है ना। 99,000 सेम यहाँ पर भी हम लिख देंगे 99,000, एंड इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है वो क्या आया, नेट प्रॉफिट हुआ, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, जस्ट शॉर्ट में ऐसे ही बता रही हूँ। तो डिफरेंस जो है वो 63,000 का आपका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 63,000 यहाँ पर माइनस करके देखिएगा 684। अब ये 63,684 को हमें डिवाइड करना है, किसको देना है, तो पार्टनर्स को देना है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, ट्रांसफर के लिए आप TRFD लिख सकते हो, ट्रांसफर टू पार्टनर्स, यहाँ पे करंट अकाउंट में चला जाएगा क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट रेशियो जो है वो कौन सा होगा, तो यहाँ पर रेशियो हम फॉलो करने वाले हैं 3:1 का, मितेश एंड मंगेश, मितेश को 3 हिस्से मिलेंगे और मंगेश को एक हिस्सा मिलेगा। तो इसका आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पर सिक्स नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट फॉर नॉलेज, मितेश नेट प्रॉफिट टोटल कितना हुआ, 63,684। रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR जो है 3:1 है, इसका मतलब 3/4:1/4, एंड मितेश का है 3/4, तीन हिस्से इसके आने वाले हैं, इसके हिस्से में तीन पार्ट इसको रिसीव होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब डिवाइड करोगे 4 1 और ये इसको डिवाइड करोगे तो 15,921 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आपको 47,763, एंड मंगेश का जो रेशियो है वो 1/4 है, तो 63,684 मल्टीप्लाई बाय 1/4 जब आप करते हो तो जब 63,684 को 4 से डिवाइड करोगे तो 15,921 मिलेगा। चेक करना, कैलकुलेट जरूर करना, हैबिट डालना है कैलकुलेशन का, तो 15,921 आ गया। तो ये आपको लिख लेना है, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। उसके पहले आप यहाँ पर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आप यहाँ पे दिखा दीजिए कि 47,763 एंड 15,921 फ्लो बोलने में कभी कभी हो जाता है 921, एंड सेम आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट में बाय हम क्या लिख देंगे, बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन यहाँ पर लेकर आए हम 47,763 एंड 15,921। अब करंट अकाउंट को फटाफट क्लोज कर लेंगे और जो बैलेंसेस है वो बैलेंस शीट में ले आएंगे। तो यहाँ पे टोटल जब आप करोगे तो 55,503 आएगा एंड यहाँ पर 20,161। तो सेम आप यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि आपका क्रेडिट साइड मोर है, 55,503 एंड 20,161। बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो आपका होगा 17,061 मंगेश केस में एंड मितेश केस में 54,303। इसको लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, और अब इसको हमें लायबिलिटीज के अंडर में लिख लेना है। इस बैलेंस को कहाँ पे जाएगा, ये लायबिलिटीज के अंडर में चला जाएगा। तो लायबिलिटीज में यहाँ पर लायबिलिटी में मैंने हेडिंग तो देके रखी है, अच्छा ये आउटर कॉलम में डाल देते हैं इनका 2,00,000, आप डायरेक्टली भी आउटर कॉलम में दिखा सकते थे।
ऐसे दिखाया तो भी कोई इश्यू नहीं है। मितेश का एंड मंगेश का, तो मितेश का 54,303 एंड मंगेश का 17,061, टोटल करेंगे तो 71,364 आ जाएगा। अब ये सारा आपको क्या करना है, टोटल करना है। टोटल करेंगे तो आपका लायबिलिटी साइड एंड आपका एसेट साइड सेम आना चाहिए, तो बैलेंसेस चेक कर लेना कि सब आपने अच्छे से लिख दिया है ना, कोई एंट्री मिस आउट नहीं है ना। तो 330,364 आपका टोटल आना चाहिए। अगर दोनों साइड का टोटल सेम है तो मतलब आपका सम 99% करेक्ट है, अगर कोई प्रिंसिपल एरर नहीं किया है। आपको अभी चाहिए तो बैलेंस शीट की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप चाहे तो सम को साथ साथ वीडियो को पॉज करके साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। बाइफर्केशन पहले कर लीजिए और फिर आप अपने से सॉल्व करने देखिए, और फिर अगर जहाँ पर आप अटक रहे हो, आपको कन्फ्यूजन अराइज हो रहा है, तो वहाँ पर खाली आप जस्ट देख सकते हो कि मैंने क्या किया है। अभी तो आप लोगों को आने भी लग गया होगा। इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स ऑलरेडी मैंने सॉल्व किए हुए हैं लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर ही कर चुकी थी एक्चुअली, एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए हुए हैं। ये वाला भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको मिलेगा, अगर वो लेक्चर देखना है तो वो वीडियो लेक्चर भी आप देख सकते हो, जस्ट गो थ्रू कर सकते हो। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। वर्किंग नोट आप लोगों को एबीटी टेस्ट के लिए, एबीटी टेस्ट में आपको ये वर्किंग नोट जो है वो यूज़फुल होंगे। तो शुरुआत से वर्किंग नोट की प्रैक्टिस रखोगे तो 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, वहाँ पे बराबर कॉन्फिडेंस रहेगा कि इतने शॉर्ट में भी आपने किया, 1 मार्क आपका फिक्स हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Thank you very much. God bless you all, dear students.